नमस्कार। साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला में आज कवि संधि कार्यक्रम में हमारे बीच में उर्दू के मशहूर शायर प्रीतपाल सिंह बेताब उपस्थित हैं। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आदरणीय श्री प्रीतपाल सिंह बेताब जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत ही संक्षेप में मैं बेताब जी का सभी से परिचय करा देता हूँ। आपका जन्म 26 जुलाई 1949 को पुंछ जम्मू कश्मीर में हुआ। प्रीतपाल सिंह बेताब जम्मू कश्मीर में समकालीन उर्दू कविता का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री बेताब 1977 में J&K सरकार की प्रशासनिक सेवा में अवर सचिव के रूप में शामिल हुए। गजल और नज्मों का पहला संग्रह पेश खेमा को J&K कल्चर एकेडमी द्वारा वर्ष 1980 में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार मिला। आपकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं शराब दर शराब, खुद रंग, मौजे रेग, और इसके अलावा आपकी पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ है जो पुस्तकाकार प्रकाशित है। आपकी कुछ अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं शायरे गजल जो 2008 में प्रकाशित हुई, और हिंदी निदेशालय भारत सरकार का हिंदी तर लेखक पुरस्कार जो ₹1,00,000 का होता है वो इस पुस्तक पर प्राप्त हुआ। इसके अलावा नज्म 21वीं सदी फलक आसार के बाद आपका एक संग्रह एक जजीरा बीच समंदर जो अभी 2019 में प्रकाशित हुआ। नज्म 21वीं सदी पर आपको यूपी उर्दू एकेडमी अवार्ड वर्ष 2009 में प्राप्त हुआ। आपको कई महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है, जिनमें कुछ और हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जन्म शताब्दी सम्मान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर का भाषा भारती सम्मान, जम्मू और कश्मीर सादिक मेमोरियल अवार्ड, मोहम्मद दीन बंदे अवार्ड, जेमिनी एकेडमी हरियाणा द्वारा जम्मू कश्मीर रत्न अवार्ड और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद द्वारा मोहसिन उर्दू अवार्ड जैसे कई अलंकरण। श्री बेताब की गजलें और नज्में भारत और पाकिस्तान तथा कई अन्य देशों की साहित्यिक पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई हैं। आपने सैकड़ों साहित्यिक कार्यक्रमों में शिरकत की है जिसमें साहित्य अकादमी के कार्यक्रमों की बहुत लंबी श्रृंखला है जिसमें आप पहले से शामिल हुए हैं। आप साहित्य अकादमी के उर्दू भाषा के पुरस्कार की ज्यूरी में 2 बार और 1 बार पंजाबी पुरस्कार समिति की ज्यूरी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपने लाहौर अल हमरा 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो 2015 में हुई थी उसमें भी सहभागिता की थी। मैं ऐसे प्रतिष्ठित शायर आदरणीय प्रीतपाल सिंह बेताब जी का अकादमी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज हम प्रीतपाल जी से उनकी कुछ गजलें नज्में सुनेंगे और उनसे कुछ एक दो सवाल भी करेंगे। बहुत ही इज्जत के साथ मैं रचना पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रीतपाल सिंह बेताब जी को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सबसे पहले 2003 में छपे मेरे शेरी मजमूए मौजे रेग से एक गजल आपके लिए पेश कर रहा हूं। और खास तौर से बताना चाहूंगा कि इस मजमूए को 2004-05 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर ने भाषा भारती सम्मान दिया था। तो गजल के शेर पेश कर रहा हूं। रास्ते तो कई खुले हैं मियां, रास्ते तो कई खुले हैं मियां, हम ही कुछ बंद हो चुके हैं मियां। वाह, हम ही कुछ बंद हो चुके हैं। रास्ते तो कई खुले हैं मियां, हम ही कुछ बंद हो चुके हैं मियां। तुम जहां हमको ढूंढते हो अभी, हम वहां से गुजर चुके हैं मियां। वाह क्या बात। तुम जहां हमको ढूंढते हो अभी, हम वहां से गुजर चुके हैं मियां। तो एक शेर देखिए, समत कैसी यहां सफर कैसा, समत कैसी यहां सफर कैसा, भीड़ में हम भी चल रहे हैं मियां। वाह, समत कैसी यहां सफर कैसा,
भीड़ में हम भी चल रहे हैं मियां, दूसरों से खुद अपने कूचे में, दूसरों से खुद अपने कूचे में हम पता अपना पूछते हैं मियां। वाह वाह। दूसरों से खुद अपने कूचे में हम पता अपना पूछते हैं मियां, तुम किसी नाम से पुकारो हमें, हम तो पहचान खो चुके। तुम किसी नाम से पुकारो हमें, हम तो पहचान खो चुके हैं मियां। तो शेर देखिए, धुंध में कुछ नजर नहीं आता, धुंध में कुछ नजर नहीं आता, पीछे मुड़कर जो देखते हैं मियां। धुंध में कुछ नजर नहीं आता, पीछे मुड़कर जो देखते हैं मियां। तो मक्ता अर्ज है, दश्त वीरान फिर से है बेताब, काफिले शब के उठ चुके हैं मियां। मैं इसी मजमुए यानी मौजे रेग से एक और गजल आप सब दोस्तों की खिदमत में पेश कर रहा हूं। रेत है और बेकरानी है, रेत है और बेकरानी है, और सहरा की क्या कहानी है। रेत है और बेकरानी है, और सहरा की क्या कहानी है। खोल कर देखो दर मकानों के, लामकानी ही लामकानी है। वाह। खोल कर देखो दर मकानों के, लामकानी ही लामकानी है। तो खास तौर से ये शेर देखिए, रास्ता किससे मांगते हो मियां, भीड़ ने किसकी बात मानी है। वाह वाह। रास्ता किससे मांगते हो मियां, भीड़ ने किसकी बात मानी है। अपने कदमों के नक्श गायब हैं, बेनिशानी है। वाह वाह। अपने कदमों के नक्श गायब हैं, बेनिशानी है। हम ही कुछ रुक गए से हैं बेताब। मक्ता देखिए, हम ही कुछ रुक गए से हैं बेताब, वरना चारों तरफ रवानी है। वाह वाह। हम ही कुछ रुक गए से हैं बेताब वरना चारों तरफ रवानी है। रेत है और बेकरानी है, और सहरा की क्या कहानी। वाह। इजाजत हो तो कुछ और पेश करूं। आता हो सर। मुझको ऐसे लगता है घर से जब निकलता हूं, मुझको ऐसे लगता है घर से जब निकलता हूँ हर कोई मुकम्मल है, एक मैं अधूरा हूँ। वाह वाह। मुझको ऐसे लगता है घर से जब निकलता हूँ हर कोई मुकम्मल है, एक मैं अधूरा हूँ। अजनबी हूँ अपनों में, भीड़ में अकेला हूँ। अजनबी हूँ अपनों में भीड़ में अकेला हूँ। मैं के एक दरीचा हूँ और बंद रहता हूँ। अजनबी हूँ अपनों में, भीड़ में अकेला हूँ। मैं के एक दरीचा हूँ और बंद रहता हूँ। तो एक शेर देखिए खास तौर से, कोई बूंद पानी की
रेत में नहीं ठहरी, वाह, कोई बूंद पानी की रेत में नहीं ठहरी, मैं भी किन जमीनों पर अब्र बन के बरसा हूं। वाह, कोई बूंद पानी की रेत में नहीं ठहरी, मैं भी किन जमीनों पर अब्र बन के बरसा हूं। तो ये शेर देखिए खास तौर से, मुंतजिर अजल से हूँ, मुंतजिर अजल से हूँ मैं किसी कोलंबस का, मुंतजिर अजल से हूँ मैं किसी कोलंबस का, बेकरार समुंदर में बेनिशान जजीरा हूँ। मुंतजिर अजल से हूँ मैं किसी कोलंबस का, बेकरार समुंदर में बेनिशान जजीरा हूँ। पर कहीं मेरा बेताब है, कहीं मेरी परवाज। वक्ता देखिए, पर कहीं मेरा बेताब है, कहीं मेरी परवाज, सरहदों से ना वाकिफ बेवतन परिंदा हूँ। पर कहीं मेरा बेताब है, कहीं मेरी परवाज, सरहदों से ना वाकिफ बेवतन परिंदा हूँ। मुझको ऐसे लगता है घर से जब निकलता हूँ, हर कोई मुकम्मल है एक मैं अधूरा हूँ। वाह, अब अगर इजाजत हो जी, तो अपना कुछ गैर मतबूआ नया ताजा कलाम पेश कर दूं, इरशाद, जो अभी मेरी किसी आने वाली किताब में शाया होगा। ये पिछले दिनों खासतौर से मैं ये, हालांकि गजल जो है, गजल का कोई खास खास इलाका नहीं होता, कोई खास सब्जेक्ट नहीं होता, गजल का एक गजल एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गजल पिछले दिनों लॉकडाउन के दिनों में एक गजल हो गई थी। तो जाहिर है कि लॉकडाउन के जो हालात थे उनका असर इस गजल पे जरूर है। तो मैं देखता हूँ, देखना चाहूंगा आप लोगों को जी, ये ख्याल कैसा लगेगा। हटाओ, देखिए, काबा भी हुआ बंद, कलीसा भी हुआ बंद, काबा भी हुआ बंद, कलीसा भी हुआ बंद, काबा भी हुआ बंद, कलीसा भी हुआ बंद, कुछ मेरी दुआ बंद है, कुछ उसकी रजा बंद। कुछ मेरी दुआ, काबा भी हुआ बंद, वाह, कलीसा भी हुआ बंद, वाह, कुछ मेरी दुआ बंद है, कुछ उसकी रजा बंद। वाह, तो ये शेर देखिए खास तौर से, मैं सोचता था मैं ही अकेला हूं पड़ा बंद, मैं सोचता था मैं ही अकेला हूं पड़ा बंद, बाहर जरा झांका तो हवा बंद फजा बंद। वाह, मैं सोचता था मैं ही अकेला हूं पड़ा बंद, बाहर जरा झांका तो हवा बंद फजा बंद। एक और मतला है इस गजल में, देखिए, दर बंद नजर बंद जुबान बंद अदा बंद, दर बंद नजर बंद जुबान बंद अदा बंद, जो बंद है वो बंद मगर जो है खुला बंद। दर बंद नजर बंद जुबान बंद अदा बंद, जो बंद है वो बंद मगर जो है खुला बंद। तो आगे एक शेर देखिए, बस एक घुटन दूर तलक फैली हुई है, बस एक घुटन दूर तलक फैली हुई है, बस एक घुटन दूर तलक फैली हुई है, हंसना भी हुआ बंद हुई आहो पुकार बंद। आहा, 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 हंसना भी हुआ बस एक घुटन
दूर तलक फैली हुई है। हंसना भी हुआ बंद, कोई आहो बुका बंद। एक उम्र से इस खोल में हूं कैद कुछ ऐसे, एक उम्र से इस खोल में हूं कैद कुछ ऐसे, दरिया कोई गोया किसी कूजे में हुआ बंद। एक उम्र से इस खोल में हूं कैद कुछ ऐसे, दरिया कोई गोया किसी कूजे में हुआ बंद। गुंबद में दरीचा है न दरवाजा है कोई, गुंबद में दरीचा है न दरवाजा है कोई, है हब्स कुछ ऐसा कि बका बंद फना बंद। गुंबद में बका और फना मतलब जिंदगी और मौत। गुंबद में दरीचा है न दरवाजा है कोई, है हब्स हब्स घुटन, है हब्स एक ऐसा कि बका बंद फना बंद। घर बंद गली बंद नगर बंद है बेताब। नक्शा देखिए, घर बंद गली बंद नगर बंद है बेताब। एक चरख के चक्कर में था यकलख्त हुआ बंद, चरख आसमान। घर बंद गली बंद नगर बंद है बेताब, एक चरख के चक्कर में था यकलख्त हुआ बंद। काबा भी हुआ बंद कलीसा भी हुआ बंद, कुछ मेरी दुआ बंद है कुछ उसकी रजा बंद। आगे आप जैसा हुक्म करेंगे बताइए कुछ और पढ़े सर जी, दो तीन गजलें और पढ़े सर या नज्म पढ़ सकते हैं आप। नहीं, मैं एक आध गजल पढ़ूंगा जी और एक आध नज्म सुनाऊंगा जी। आता पहले ये मेरी किताब है नज्म 21वीं सदी जी, जो 2008 में छपी थी और इसको यूपी उर्दू एकेडमी अवार्ड भी मिला था। ये नज्में हैं इसमें, नाम ही इसका नज्म 21वीं सदी है। तो मैं इसमें से आपको एक दो नज्में सुनाऊंगा। मेरा कोई खेमा नहीं है, खेमा मतलब कैंप जी। नज्म का उन्वान है, मेरा कोई खेमा नहीं है, अपने गुट में भी मुझको मुखालिफ ही समझा गया है हमेशा, कि मैं तफरकों को मिटाने की खातर इधर से उधर और उधर से इधर आता जाता रहा हूं। अपने गुट में भी मुझको मुखालिफ ही समझा गया है हमेशा, कि मैं तफरकों को मिटाने की खातर इधर से उधर और उधर से इधर आता जाता रहा हूं। मुखालिफ सफों में भी मुझको जगह मिल ना पाई, मुखालिफ सफों में भी मुझको जगह मिल ना पाई, कि मैं अपने चेहरे की रंगत को तब्दील भी कर ना पाया कभी। मुख्तलिफ किस्म के खेमे हैं चार सू कैंप्स, मुख्तलिफ किस्म के खेमे हैं चार सू और मेरा कोई खेमा नहीं है। वाह वाह, मुख्तलिफ किस्म के खेमे हैं चार सू और मेरा कोई खेमा नहीं है। तेज धूप और कड़ाके की सर्दी में नंगे बदन कितनी सदियां गुजारी हैं मैंने, इधर से उधर और उधर से इधर आते जाते हुए। सफों में जो बैठे हैं वो मुझ भटकते हुए को नहीं देख पाएंगे क्या, सफों में जो बैठे हैं वो मुझ भटकते हुए को नहीं देख पाएंगे क्या, बंद दरवाजे और ये दरीचे कभी खुल ना पाएंगे क्या। अपने गुट में भी मुझको मुखालिफ भी समझा गया है हमेशा, कि मैं तफरकों को मिटाने की खातर इधर से उधर और उधर से इधर आता जाता रहा। शुक्रिया। एक और नज़म जी,
21वीं सदी से बताओ। ये नज्म खास तौर से मैंने उन लोगों के लिए भी कही है जो उर्दू दान लोग हैं हमारे, और उन लोगों के लिए भी जो हमारे मुआशरे में हिंदुस्तान में जो उर्दू दान तबके से ताल्लुक नहीं भी रखते। नज्म का उन्वान है एहसासे जुर्म, गिल्टी कॉन्शियस। सरस्वती को जब मैंने अपने घर में स्थापित किया, सरस्वती को जब मैंने अपने घर में स्थापित किया तो सोचा था कि इसकी आराधना करूंगा, साधना करूंगा, वर मांगूंगा और वर पाऊंगा, लेकिन मूर्ति को शोकेस में सजा कर मैं रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गया और करीब करीब भूल ही गया कि मेरे घर में सरस्वती का प्रवेश भी है। कभी कभार घर में आया हुआ कोई मेहमान जब ड्राइंग रूम की हर चीज पर उचटती सी निगाह डालता है और उसकी नजर एक जगह पर आकर ठहर जाती है तो वो चौंक कर कहता है, वाह कितनी प्यारी मूर्ति है, पीतल की है या तांबे की? शुक्रिया। वाह। अब इसके बाद मैं अपनी जो ताजा तरीन मेरा मजमुआ शेरी मजमुआ गजलियात पिछले साल यानी 2019 में छपा है ये आपके सामने दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल नई किताब है, ताजा ताजा है। इसी में से आपको एक आध गजल में सुनाऊंगा। देखिए शेर खास तौर से इस गजल के, कुछ कर लिया तो क्या है ना कुछ कर सके तो क्या, कुछ कर लिया तो क्या है ना कुछ कर सके तो क्या, दुनिया में आ भी हम गए चल भी पड़े तो क्या, कुछ कर लिया तो क्या है ना कुछ कर सके तो क्या, दुनिया में आ भी हम गए चल भी पड़े तो क्या, दुनिया मुदाम रौन के दुनिया भी है मुदाम, मुदाम यानी हमेशा, दुनिया मुदाम रौन के दुनिया भी है मुदाम, हम हो सके तो क्या है ना हम हो सके तो क्या, दुनिया मुदाम रौन के दुनिया भी है मुदाम, हम हो सके तो क्या है ना हम हो सके तो क्या, महफिल में हम कहां हैं किसी भी शुमार में। ये मेरे कुछ खास दोस्तों की नजर है ये शेर, महफिल में हम कहां हैं किसी भी शुमार में, बैठे रहे तो क्या है जो उठ भी गए तो क्या, महफिल में हम कहां हैं किसी भी शुमार में, बैठे रहे तो क्या है जो उठ भी गए तो क्या, यूं भी तो जीत कर भी हमें हारना ही था, यूं भी तो जीत कर भी हमें हारना ही था, फिर दौड़ में रहे भी तो क्या हट गए तो क्या, यूं भी तो जीत कर भी हमें हारना ही था, फिर दौड़ में रहे भी तो क्या हट गए तो क्या, पूछो हो क्या हमारी खराबे के हम चिराग, पूछो हो क्या हमारी खराबे के हम चिराग, जलते रहे तो क्या है जो बुझ भी गए तो क्या,
पूछो हो क्या हमारी, खराबा खंडर वीरान, पूछो हो क्या हमारी। हेलो, आप सुन रहे हैं? मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ सर, आपको सुन रहा हूँ। अच्छा। जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही तो मैंने कहा पता नहीं। जी, मैं सुन रहा हूँ। पूछो क्या हमारी, खराबे के हम चिराग, वाह, जलते रहे तो क्या है, जो बुझ भी गए तो क्या। बहुत ही खूबसूरत गजल। और एक शेर देखिए, आता हूँ। क्या भीड़ के सिवा है हमारी शिनाख्त भी, क्या भीड़ क्या के सिवा भीड़ है? के सिवा है हमारी शिनाख्त भी, मर भी गए तो क्या है, जो जिंदा रहे तो क्या। क्या भीड़ के सिवा है हमारी शिनाख्त भी, मर भी गए तो क्या है, जो जिंदा रहे तो क्या। बेताब रास्ता नहीं मंजिल नहीं कोई, बेताब रास्ता नहीं मंजिल नहीं कोई, रुक भी गए तो क्या है, जो चल भी पड़े तो क्या। वाह वाह। बेताब रास्ता नहीं मंजिल नहीं कोई, रुक भी गए तो क्या है, जो चल भी पड़े तो क्या। वाह। ये इसी किताब यानी एक जजीरा बीच समुंदर से मैं एक और गजल पेश करूंगा जी, बताओ। आप दोस्तों की नजर। सच तो ये है कि अच्छे अदाकार हम न थे, सच तो ये है कि अच्छे अदाकार हम न थे, हाँ हाँ कबूल पै करे इशार हम न थे। सच तो ये है कि अच्छे अदाकार हम न थे, हाँ हाँ कबूल पै करे इशार हम न थे। दुनिया हमें समझने को तैयार ही न थी, दुनिया हमें समझने को तैयार ही न थी, वरना कुछ ऐसे भी तो पुरसरार हम न थे। वाह। दुनिया हमें समझने को तैयार ही न थी, वरना कुछ ऐसे भी तो पुरसरार हम न थे। हालात ही थे ऐसे हमें जीतना पड़ी, हालात ही थे ऐसे हमें जीतना पड़ी, जिस दौड़ के लिए कभी तैयार हम न थे। वाह वाह। हालात ही थे ऐसे हमें जीतना पड़ी, जिस दौड़ के लिए कभी तैयार हम न थे। दोनों तरफ सफों में हमारी जगह न थी, दोनों तरफ सफों में हमारी जगह। खास दोस्तों के लिए ये शेर अर्ज करना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरे वो खास दोस्त जरूर ये शेर सुन रहे होंगे। दोनों तरफ सफों में हमारी जगह न थी, तरफैन में किसी को भी दरकार हम न थे। दोनों तरफ सफों में हमारी जगह न थी, तरफैन में किसी को भी दरकार हम न थे। एक जिंदगी गुजर गई हम कुछ ना कर सके, एक जिंदगी गुजर गई हम कुछ ना कर सके। हम जानते हैं ऐसे तो बेकार हम न थे। वाह। एक जिंदगी गुजर गई हम कुछ ना कर सके, हम जानते हैं ऐसे तो बेकार हम न थे। अब मैं आपको जी 2013 में छपी जो मेरी किताब है जी फल का सार, अगर इजाजत हो जी वक्त हो तो उससे मैं एक गजल पढ़ लें, एक गजल मैं उससे जी आता हो, क्योंकि सभी किताबों की नुमाइंदगी हो जाएगी इस तरह से, बहुत अच्छा होगा। गालिब की एक मशहूर गजल है,
गालिब की जमीन में गजल कहना कोई आसान काम नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है। जो शेर फैम लोग हैं वो इन अशार को जरूर समझेंगे। तो देखिए गालिब की जमीन में मैं किस हद तक कामयाब हो सका। जो ख्वाब में आवे कभी पिंदार में आवे, जो ख्वाब में आवे कभी पिंदार में आवे, मुमकिन है किसी रोज वो आसार में आवे। जो ख्वाब में आवे कभी पिंदार में आवे, मुमकिन है किसी रोज वो आसार में आवे। तो ये शेर देखिए खास तौर से, हो ऐसा करिश्मा कि जो गुफ्तार में आवे, हो ऐसा करिश्मा कि जो गुफ्तार में आवे, वो बात हमेशा मेरे किरदार में आवे। वाह, हो ऐसा करिश्मा कि जो गुफ्तार में आवे, वो बात हमेशा मेरे किरदार में आवे। बेमोल बिकूंगा वो खरीदार अगर हो, बेमोल बिकूंगा वो खरीदार अगर हो, हसरत है बस एक बार वो बाजार में आवे। बेमोल बिकूंगा वो खरीदार अगर हो, हसरत है बस एक बार वो बाजार में आवे। तो एक शेर देखिए खास तौर से, खुशबू में मिलेगा वो चुभन में भी मिलेगा, खुशबू में मिलेगा वो चुभन में भी मिलेगा, वो चुभन में भी मिलेगा, इरफान कभी गुल में कभी खार में आवे। खुशबू में मिलेगा वो चुभन में भी मिलेगा, इरफान कभी गुल में कभी खार में आवे। ऐ मेरे खुदा मुझको ये तौफीक अता कर, जो दिल पे गुजरती है वो इजहार में आवे। वाह वाह वाह, ऐ मेरे खुदा मुझको ये तौफीक अता कर, जो दिल पे गुजरती है वो इजहार में आवे। वाह, तो मक्ता पहले एक शेर देखिए जी, ये सुर्ख और सिया सीमी और जरनी तो बजा है, ये जो दस्तारे हैं पगड़ियां उनके बारे में है ये शेर। सुर्खो सिया यानी काला सफेद, और सीमी और जरनी यानी चांदी के कलर का या सोने के रंग का। ये सुर्खो सिया सीमी और जरनी तो बजा हैं, कुछ रंगे अनाब ही मेरी दस्तार में आ। वाह क्या बात है, वाह। ये सुर्खो सिया सीमी और जरनी तो बजा हैं, कुछ रंगे अनाब ही मेरी दस्तार में आवे। साहिल की इसे याद ही आती नहीं बेटा, रह रह के सफीना मेरा मंझदार में आवे। वाह, साहिल की इसे याद ही आती नहीं बेटा, रह रह के सफीना मेरा मंझदार में आवे। जो ख्वाब में आवे कभी पिंदार में आवे, मुमकिन है किसी रोज वो आसार में आवे। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस ये गजल का, मेरे कलाम का, ये गजल का, ये नज्म का जो आपके पास एक कद है और जो कहन का सलीका है, इससे एक उस्तादपन, एक जो मयारी है वो हम महसूस कर सकते हैं। और एक एक शेर जैसे करीने से गढ़ा हुआ एक एक मोती है, मोतियों में मोती है। आपकी नवाजिश है, शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत गजलें, बहुत ही खूबसूरत नज्में, और जो आज का पूरा माहौल है उसको भी आपने ध्यान रखते हुए जो गजलें कही हैं, कुछ शेर कहे हैं, बहुत ही मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक खाली मन में मेरे प्रश्न आ रहा था कि क्योंकि आपने एक लंबा समय आपने गुजारा है एक फन के साथ, अदब के साथ, और आप जब अब इस उम्र में इस पायदान पर पहुंचे हैं, तो आप कैसे उर्दू साहित्य की जो पूरी दुनिया में अभी स्थिति है और जो भारत में उर्दू शायरी की स्थिति है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं, और इसमें क्या देखना चाहते हैं कि किस तरह इजाफा हो सकता है, कैसे और स्थिति अच्छी हो सकती है? मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले कुछ अरसे से हम लोग जब छोटे थे तो उर्दू जुबान जो है वो किसी मजहब के साथ उसका उसका कोई सरोकार नहीं था।
हम लोगों ने, मेरे कुछ दोस्त हैं, आनंद लहर है, हमारे दोस्त थे एक मालिक राम आनंद, और हमारे कितने अच्छे अच्छे शायर हैं, कुमार पाशी हमारे दोस्त थे, बलराज कोमल थे, हम लोगों ने उर्दू को अपनी जुबान समझ के अपनाया था हमेशा, बल्कि हमारे घरों में उर्दू बोली जाती थी। मैं तो मेरा बचपन में मेरी प्राइमरी तक तालीम ही उर्दू जरिया तालीम से हुई है। एक बात का अफसोस होता है कि आजकल कुछ उर्दू जुबान को इस्लाम और मुसलमानों के मजहब से कुछ लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दोनों तरफ का मामला है, कुछ इस तरफ भी है कुछ उस तरफ भी है, कि जो इस जुबान को मजहब से जोड़ के अल्टीमेटली इस जुबान का नुकसान करना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है दिल में, मैं बड़ा परेशान रहता हूं कि हमारे बाद पता नहीं इस जुबान का क्या बनेगा। हालांकि आज की तारीख में भी उर्दू में कई लोग हैं जो नॉन मुस्लिम भी उर्दू की शायरी कर रहे हैं अच्छी अच्छी, आपको शायद मालूम ही होगा, लखनऊ में अभिषेक शुक्ला है, वो बहुत आला पाए के शायर हैं, नौजवान हैं, और मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और वो उर्दू की खिदमत कर सकें। तो दूसरी बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि लोग इस जुबान को मजहब की तरफ से हटा के जुबान और अदब के साथ जोड़े। अच्छी बात कही आपने, लिखने वाले तो आते रहेंगे, शायर भी आएंगे, कहानी भी लिखेंगे, सब लिखेंगे, लेकिन मामला थोड़ा जुबान का मुश्किल होता जा रहा है। इस जुबान को बचाने की जरूरत है। मैं सभी को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू हमारी जुबान है, उर्दू ही एक ऐसी जुबान है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, हिंदुस्तान में ही इसकी डेवलपमेंट हुई, और ये निरोल हिंदुस्तानी जुबान है। मैं तो ये कहूंगा कि अरबी, फारसी, तुर्की, इवन संस्कृत के लिए भी कहा जाता है कि हमारे बुजुर्ग आर्यन जो थे संस्कृत को भी सेंट्रल एशिया से लाए हैं यहाँ, लेकिन उर्दू ऐसी जुबान है जिसने हिंदुस्तान में ही जिसकी पैदाइश हुई और हिंदुस्तान में ही इसका सारा सफर, बचपन भी गुजरा, आज जवानी की उम्र में है, आज भी ये हिंदुस्तान में ही है। तो हम सबको उर्दू जुबान को अपनाना चाहिए, इतनी मीठी जुबान है, इसकी शायरी इतनी अच्छी है, इसके अफसाने, इसमें कृष्ण चंद्र और राजेंद्र सिंह बेदी जैसे बड़े 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 अदीब हुए हैं जो इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं। तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा उर्दू जुबान को अपनाना चाहिए, सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और इसको हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा फलने का मौका देना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, और ये सभी के लिए एक बड़ा संदेश है जो आपकी पूरी जिंदगी से निकल के आता है। आपने आज जो गजलें और जो नज़में हमें सुनाई और जो अपने पूरे अनुभव से हमें एक अपना राज बताया, और मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ साहित्य अकादमी की ओर से, निजी तौर पे भी, और आपने जैसा कि मैं साहित्य अकादमी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, साहित्य अकादमी ने मुझे बहुत इज्जत दी है, हमेशा बड़े बड़े प्रोग्रामों में बुलवाया है, मुझसे सदारतें करवाई हैं कई प्रोग्रामों में, मुझे ज्यूरी के मेंबर बनाया कई बार उर्दू का, पंजाबी का, और बहुत जितनी इज्जत के शायद मैं काबिल नहीं था, साहित्य अकादमी ने हमेशा मुझे इतनी इज्जत दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। साहित्य अकादमी के लिए भी बहुत खुशनसीबी की बात है कि आप जैसे बड़े शायर, बड़े अदीब ने अपनी सेवाएं साहित्य अकादमी को दी हैं, इसीलिए साहित्य अकादमी आगे बढ़ पा रही है आप जैसे विद्वानों के ही कारण, आपके मार्गदर्शन में। मैं साहित्य अकादमी की ओर से दिली तौर से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा ये निमंत्रण स्वीकार किया और साहित्य प्रेमियों के बीच आए, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, शुक्रिया।